फ्रेंड्स बोला है इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी, यानी कि ए और बी की रेशियो इज 30% मोर है, ए ज्यादा है बी से 30%, यानी कि 130 अगर बी 100 है तो ए 130 होगा, जहां से इनकी रेशियो बन जाएगी 13:10। फ्रेंड्स यही रेशियो होती है पर डे का वर्क, यानी कि ए एक दिन में 13 काम करता है, सेम बी 10। तो फ्रेंड्स अब उसने बोला हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टूगेदर टेक टू कंप्लीट ए जॉब, अगर वो दोनों मिलके काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, जबकि अकेला ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज, ए अकेला इस काम को 23 दिन में खत्म कर देगा। तो फ्रेंड्स ए का एक दिन का काम है 13, तो 13 एक दिन का है 23 में खत्म करेगा, यानी कि टोटल वर्क आपका निकल गया जहां से 23 × 13, तो 23 × 13 बन गया आपका 2299 वर्क, ये आपका बन गया टोटल वर्क। फ्रेंड्स अब उन्होंने पूछा हाउ मच टाइम विल दे वर्क टूगेदर, अगर दोनों मिलके काम को करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे, तो फ्रेंड्स ये आपका बन गया जहां से दोनों ए करता है एक दिन में 13 काम, बी करता है 10 काम, अगर दोनों मिलके करेंगे तो 23 काम होगा, तो टोटल वर्क है 299, तो डिवाइड कर देंगे 23 से तो आपका आंसर आ जाएगा 13 डेज। फ्रेंड्स 13 डेज ही आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। फ्रेंड्स साक्षी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, साक्षी अपने काम को 20 दिन में खत्म करती है। तानिया इज 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी, मानो ये तानिया है और ये साक्षी है, तानिया इज 25% मोर एफिशिएंट, 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी, मान लो साक्षी अगर 100 है तो ये 125 बन जाएगा, तो दोनों 25 के टेबल से 5:4 बन जाएगा, यानी कि तानिया का एक दिन का काम 5 है, सेम साक्षी का एक दिन का काम 4 है। फ्रेंड्स टॉप लाइन उसने बोला है साक्षी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, साक्षी अपने काम को 20 दिन में खत्म करती है, जहां साक्षी का एक दिन का काम 4 है तो 20 दिन में खत्म करती है पूरे काम को, तो फ्रेंड्स जहां से आपका टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल वर्क आपका बन जाएगा 4 × 20, 80 काम बन गया टोटल। तो फ्रेंड्स जहां से उसने पूछा द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तानिया टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क, टोटल काम है आपका 80, तानिया एक दिन में 5 काम करती है तो तानिया कितने दिन में इस काम को खत्म करेगी, तो तानिया टोटल काम है 80, 5 काम एक दिन में करती है तो 80/5 यानी कि 16 डेज। चलिए फ्रेंड्स और एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स एज ट्वाइस एज गुड एज बी इन वर्क, काम के अंदर ए की क्षमता दुगनी है बी से, एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क। फ्रेंड्स ये एक ही बात कर रहा है कि ए इज एबल टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज लेस देन बी, यानी कि बी से 30 दिन पहले ए काम खत्म कर देता है, तो ए इज ट्वाइस, ए और बी की एफिशिएंसी दी है उन्होंने, ए इज ट्वाइस यानी कि ए दुगुना है बी से, तो फ्रेंड्स एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेज के, अगर एफिशिएंसी 2:1 है तो डेज बन जाएगा 1:2, तो फ्रेंड्स इन दोनों का डिफरेंस बनेगा 1, जहां पे डिफरेंस बन रहा है 30, तो 1 इक्वल है 30 के, तो जहां से ए के और बी के डेज निकल जाएंगे, फ्रेंड्स ए है 1, 1 है 30, तो बी है 2, 2 यानी कि 60 बन जाएगा, तो जहां से ए अपना काम 30 डेज में पूरा करता है और बी इसी काम को 60 डेज में, तो फ्रेंड्स एलसीएम ही होगा टोटल वर्क, तो एलसीएम जहां से बन जाएगा 60, ए अगर 30 दिन में 60 काम करता है यानी कि एक दिन में 2 काम करेगा, सेम बी 60 काम को 60 डेज लगाता है यानी कि एक दिन में 1 काम होगा।
फ्रेंड्स उसने पूछा इन हाउ मेनी डेज दे कैन कम्प्लीट द होल वर्क, पूरा काम करने में अगर वो दोनों एक साथ काम को करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो फ्रेंड्स दोनों एक साथ करेंगे तो टू और वन थ्री, थ्री काम करेंगे वो एक दिन में, टोटल वर्क है 60, तो 60 को डिवाइड करेंगे थ्री से तो 20 डेज आपका आंसर है। चलिए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें बोला है कि एक्स कैन डू वन फोर्थ ऑफ द वर्क इन 10 डेज। एक्स किसी काम का वन फोर्थ यानी कि 4 काम टोटल है उसमें से एक काम 10 डेज में खत्म करता है। वाई कैन डू 40% ऑफ द वर्क, 40% यानी कि टू फिफ्थ ऑफ द वर्क इन 40 डेज में, एंड जेड कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज। तो फाइंड हु विल वर्क फर्स्ट, हमने दिखाना है कि सबसे फास्ट या सबसे जल्दी काम किसने किया। तो फ्रेंड्स एक्स करता है वन फोर्थ ऑफ वर्क को 10 डेज में अगर वो वन फोर्थ कर रहा है, वन फोर्थ यानी कि 4 काम टोटल है तो 4 में से एक काम वो कर रहा है 10 दिन में, तो 4 काम कितने में करेगा तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 40 डेज में होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड बाई कैन डू 40% को ही फ्रेंड्स बोलते हैं टू बाय फाइव, तो 2/5 कर रहा है वो 40 डेज में। अगर 5 में से 2 काम वो 40 दिन में कर रहा है तो यानी कि एक काम वो करेगा 20 दिन में, अगर 20 दिन में एक काम हो रहा है तो 5 काम टोटल है तो टोटल काम हो जाएगा 40 × 5 100 डेज में। लास्ट है फ्रेंड जेड कैन डू 1/3 काम को 13 डेज में करता है, 13 डेज यानी कि टोटल काम है 3 में से एक काम को वो करता है 13, तो 3 काम टोटल है तो 3 को कितने में करेगा तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 39 डेज। तो फ्रेंड जहां से हमें एक्स का मिला है 40 डेज, वाई का मिला 100 डेज एंड जेड का मिला 39 डेज। तो फ्रेंड्स उसने पूछा है फाइंड हु विल वर्क फर्स्ट, तो सबसे फास्ट या सबसे जल्दी पहले नंबर पे काम किसने खत्म किया। काम पहले नंबर पे वही खत्म करेगा जो कम से कम डे लेगा, तो कम से कम डे लिए हैं 39 एक्स जेड ने, तो आपका राइट आंसर होगा जेड। फ्रेंड्स इसी के साथ आपकी टाइप 5th खत्म होती है और इसी के साथ आपका टाइम एंड वर्क भी खत्म होता है। तो फ्रेंड्स आप आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैंने कोई भी टाइप नहीं छोड़ी है और कोई भी टाइप में से हर टाइप के क्वेश्चन भी आपको डाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको वहां से सोल्यूशन डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।